रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो दैट इज बेसिकली सॉर्टिंग। एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेसन वी वर डिस्कसिंग अबाउट पावर पॉइंट, हाउ वी कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन। सो आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू इन दैट योर वर्क। सो इफ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू द presentation, then you can ask me on WhatsApp or on Google. So this lesson is basically about how we can arrange our data, that is basically sorting. So as you all know that sorting होती क्या है और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आज के लेसन में देखेंगे। ठीक है? So first of all, what is sorting? ओके, सॉर्टिंग में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं। ठीक है? और उसको अरेंज करने के बाद हम उसमें देखते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं। हम ये करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। ठीक है? सो एज यू ऑल नो दिस बार इज नोन एज टास्क बार। ठीक है? इस बार का क्या नेम है? टास्क बार। और यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है स्टार्ट बटन की, मैंने इस पर क्लिक किया। नाउ आई विल क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हियर, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। और इस वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया। दिस इज द मेन स्क्रीन ऑफ मेन विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट इज सॉर्टिंग, हाउ वी कैन अरेंज आवर डेटा। ओके, सो दिस इज आर टॉपिक। सो सॉर्टिंग का बेसिकली होती क्या है, ये हम अपने डाटा को जब सॉर्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टेक्स्ट, अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो आपको पता है टेक्स्ट को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन किया होगा, लाइक हम अरेंज किस तरह कर सकते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट वर्ड हो। ठीक है? आप उसको या तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। ठीक है? ये आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा एनीवन टेल मी व्हाट इज अनदर ऑप्शन इन विद नंबर्स। अगर नंबर्स को हम अरेंज करना चाहें तो उसको हम किस तरह से सॉर्टिंग में अरेंज कर सकते हैं। ये बात उसमें भी आपको टू टाइप्स मिलेंगी। सिंपली आप या तो नंबर्स को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अरेंज कर सकते हो, या आप मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू की तरफ अरेंज कर सकते हो। ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट, हम इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स टाइप कर देती हूँ। ओके, गेम्स, फन, पिक्चर्स, ठीक है, टाइप्स, कैपिटल, मेलिंग, और इसके अलावा इंसर्ट। ठीक है? रैंडमली मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया। ओके, अब हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है, बल्कि आपकी ऐसा असाइनमेंट भी होगी। आप, मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड करूंगी और आपने मुझे सिंपली क्या करना है, उसको अरेंज करके देना है। हम उसको अरेंज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, सॉर्ट हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली और नंबर्स में भी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? ओके, सो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रही है। अगर आप यहाँ पर गौर करें, होम टैब है, दिस इज योर होम टैब, और ये जो आपके पास कंप्लीट बार है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, दिस बार इज ऑल्सो नोन एज योर मेन्यू बार। ठीक है? इसमें आपको काफी मेन्यू मिल रहे हैं और आप इसमें से जिस मेन्यू पर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास टैब यहाँ पर अपियर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लिक ऑन दिस होम टैब। ठीक है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर होम टैब होती है, तो मैंने होम टैब पर हूँ इस वक्त, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगी। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट, अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पास जो आपके पास अल्फाबेटिकली टेक्स्ट अरेंज होगा या जो न्यूमेरिकल डाटा होगा उसको ये सॉर्ट कर देगा, अरेंज कर देगा।
तो सिंपली अब आपने इसमें करना क्या है, आपने अपना डाटा सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पर देखिए मेरे पास जो टेक्स्ट है यहाँ पर, जो मेरा डाटा है यहाँ पर, वो आगे पीछे उसमें अल्फाबेट्स में है, ठीक है। यहाँ पर जी आ रहा है, देन एफ, और यहाँ पर सी आ रहा है। और आपको पता है ए बी सी में हम क्या करते हैं, ए बी सी डी इस तरह से चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सबसे फर्स्ट वर्ड आएगा अल्फाबेट में, दैट इज कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले सी आएगा यहाँ पे, टॉप पर होना चाहिए। अब हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, सिंपली जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा अपने विद द हेल्प ऑफ माउस। आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड भी आप कर सकते हैं। किस तरह से, सिंपली आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, और आपने नीचे की तरफ डाउन एरो को प्रेस कर देना, ठीक है। आपका डाटा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल रही है सॉर्ट। जैसे ही आप सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, देन हेयर यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट एंड इन विच डायरेक्शन यू वांट टू सॉर्ट योर डाटा, इन विच साइड यू वांट टू अरेंज योर डाटा, यू वांट टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप अपने डाटा को किस तरह से अरेंज करना चाह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अगर असेंडिंग पर क्लिक कर दूँ और ओके कर दूँ, सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो मेरे पास सबसे फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। सो ये हम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम ये काम इजीली कर सकते हैं, ओके। सो इसी तरह से अब मैं यहाँ पर अगेन कुछ यहाँ पे डाटा टाइप कर देती हूँ, लाइक पिक्चर्स, स्टाइल, फॉर्मेट, पेंटर, जूम एंड एट द एंड इज क्लिपबोर्ड, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स टाइप कर लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो अब सिंपली आपने इस केस में क्या करना है, अगेन आपने इनको सिलेक्ट करना है विद योर माउस, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, और अगेन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस सॉर्ट ऑप्शन एंड देन हेयर यहाँ पर आपने चूज करना है टाइप। ये आपकी टाइप शो कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करनी, ये आपको वो खुद ही सिलेक्ट करके प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज टेक्स्ट। सो अब यहाँ से आपने ऑप्शन चूज करनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस डिसेंडिंग, प्लीज जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस डिसेंडिंग ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। सो एज यू कैन सी योर होल टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास जितने भी आपके पॉइंट्स थे, जितने भी ऑप्शंस थे, ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। किस तरह से, जैसे अब अल्फाबेट में सबसे लास्ट पर हमारे पास रेड हो जाता है, उसमें यहाँ पर हमारे पास जूम आ रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से ये कंप्लीट सीरीज है, और टॉप तक आ रही है अल्फाबेट में ए बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वर्ड कौन सा आ रहा है, सी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो आई होप दिस इज क्लियर। हम अपने डाटा को अरेंज किस तरह से कर सकते हैं और उसको सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव वन मोर टाइप ऑफ डाटा, दैट इज नंबर्स। अब इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हम अपने डाटा को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, लाइक अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं तो मैं उसमें किस तरह अरेंज कर सकती हूँ। सो उसमें अरेंज करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स टाइप किए। अब इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसका भी सिंपलेस्ट बहुत इजी मेथड है। व्हाट वी विल डू, सिंपली जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा। आपने अपने नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है विद योर माउस और विद योर कीबोर्ड, एंड देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ सॉर्ट अगेन, एंड हेयर यू कैन सी द टाइप इज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एज नंबर। हेयर यू डोंट नीड हैव टू टू सिलेक्ट, ओके। सो हेयर आई हैव सम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि मैंने रैंडमली टाइप किए हैं, ठीक है। अब सिंपली हम नंबर्स को यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम देखेंगे अब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट अगेन योर डेटा विच यू वॉन्ट टू सॉर्ट, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दीज नंबर्स, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन अगेन
sort, and here as you can see the type is automatically show here as number. So simply just have to select the type which you want to convert, like if you want to show these numbers in ascending order or in descending order. So first of all, what is the meaning of ascending order is it will show your numbers in like in the form of 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आपको नंबर्स को शो करेगा. और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपके पास हायर नंबर होगा उसको टॉप पर शो करेगा, और फिर जो उससे छोटा नंबर होगा फिर जो उससे छोटा नंबर होगा इस तरह से शो करेगा, और एट द एंड जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो शो करेगी. ठीक है, तो मैं अभी सिंपली इसको असेंडिंग ऑर्डर में चूज करती हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. ओके, सो एज यू कैन सी माई होल सीरीज इज कन्वर्टेड इन टू असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, सो अब ये देखें यहाँ पर मेरे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 1, देन 35, 64, 234, 234, ये भी 234, 340, 345, और ये मेरे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है. सो इस तरह से हम अपने नंबर्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज योर अगेन जस्ट हैव टू सेलेक्ट योर डाटा अगेन. Click on the sort option and here you can select now descending order. So with descending, what will happen? Your biggest value will show on the top of your document. So you just have to click on OK. ठीक है, अब descending order में क्या हुआ है, आपके पास जो आपकी biggest value थी वो आपके top पर आपको highlight हो रही है, और जो इस तरह से सबसे smallest value है वो bottom पर आपको appear हो रही है. इसके अलावा ये ऑप्शन हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मिलती है. ठीक है, आपने अभी एक्सेल को यूज नहीं किया बट वी कैन ऑल्सो यूज एक्सेल. मैं एक्सेल को स्टार्ट करती हूँ. आपने यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट बटन पर, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007. ओके, दिस इज द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो एक्सेल इज बेसिकली यूज टू used for mathematical calculation, used to make different kind of spreadsheets. Excel का basic purpose क्या है कि हम इसके through किसी भी किस्म की calculation easily कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो कोई भी formula हम इसमें easily apply कर सकते हैं और हम अपना काम इसमें easily कर सकते हैं. अब इसमें भी हम sorting easily apply कर सकते हैं. आपको पता है Microsoft Word में basically हम क्या करते हैं, हम basically documents create करने के लिए इसको use करते हैं, बट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी यूज फॉर मैथमेटिकल डाटा. अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स है तो हमने इसको इजीली कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन यही चीज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इजीली कर सकते हैं. सो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है, आपने कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना है या कोई डिवीजन करनी है, ठीक है, परसेंटेज फाइंड करनी है, या आपने किसी भी किस्म की सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फाइंड आउट करनी है, सो हम वो एक्सेल में इजीली कर सकते हैं. तो आज हम यहाँ एक्सेल में भी देखेंगे हम एक्सेल में अपने डाटा को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं. सो ओके, कैन यू टेल मी वेयर इज द ऑप्शन ऑफ सॉर्ट इन दिस टैब. ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपको ये ऑप्शन इधर मिल गई थी. ठीक है, ये इसका सिंबल है ए जी और ये एरो का सिंबल है. ठीक है, अब यहाँ पर फोन मुझे बताएगा कि वेयर इज द ऑप्शन ऑफ सॉर्ट. Can you find this here? No. And yes, the option is here, sort. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, इस डाटा को कॉपी कर लेती हूँ. मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसे सिंपली क्या कर दिया, पेस्ट. ठीक है, ओके, अब मैं सिंपली उस डाटा कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया. तो अब सिंपली इसको करने का क्या स्टेप है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है. ठीक है, एक्सेल में बेसिकली होता है कि हमारे पास ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये जो बेसिकली इनको हम बोलते हैं कॉलम्स. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स. और ये जो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ रहा है 1, 2, 3, ये जो कम्प्लीट रो है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोज. ये जो कंप्लीट लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे रोस. और ये जो हमारे पास कंप्लीट लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम. नाउ विद द हेल्प ऑफ कॉलम एंड रो वी गोट अ सेल. अब रो और कॉलम के कम्बिनेशन से हमारे पास ये अब सेल बनता है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कितने सेल नजर आ रहे हैं, बेसिकली जो बॉक्सेस हैं इनको हमने क्या नेम दिया, सेल का.
तो अब आपने क्या करना है, अब मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया सिंपली, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सॉर्ट, तो मैंने सॉर्ट पर क्लिक कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बड़े से छोटे नंबर की तरफ आप उसको अरेंज करना चाह रहे हैं, या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या बड़े से छोटे नंबर की तरफ उसको अरेंज करना चाह रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं कर देती हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें उसने ऑटोमेटिकली आपके पास जितनी भी लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो सिंपली आपने इसमें क्या करना होता है, आप या तो अपने डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लें माउस से, या आप सिंपली अगर आपके पास कंप्लीट एक सीरीज है या बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, लाइक 1000 है, इतना रिकॉर्ड है, सिंपली जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा, आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लें और क्लिक करना है आपने सॉर्ट एंड फिल्टर पर। सो जैसे ही आप सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन अपियर होंगी, सॉर्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब मैं चूज कर लेती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पर टॉप पर अपियर होगी, और इसी तरह से एट द एंड मेरे पास ये जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 135 भी इधर अपियर होगी। ठीक है, सो मैं इस तरह करती हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सी, यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल वी, हो गया। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने उसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप इसको दोबारा से भी अरेंज कर सकते हैं, अगेन सिलेक्ट योर डाटा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो इस वक्त मेरे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो ऑलरेडी सबसे छोटी वैल्यू है, फिर एट द एंड मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू, तो अगेन इसको करने के लिए कन्वर्ट सिंपली क्लिक ऑन द सॉर्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सीरीज को इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू इन दिस। ओके, ये अब हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या किया, नंबर्स को कन्वर्ट किया है, ठीक है, अरेंज किया है। अब इसमें हम एक चीज और अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इस डाटा को सिलेक्ट, कंट्रोल सी, एक्सेल में आके मैंने यहाँ पर कर दिया इसको कंट्रोल वी, ठीक है, तो ये सेम वही डाटा है। अब इसमें हम इसको किस तरह से कर सकते हैं अरेंज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसका भी बहुत इजी और सिंपल सा स्टेप है। आपने सिंपली क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर होल कॉलम, आपके पास आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन अगेन क्लिक ऑन दिस सॉर्ट ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए अब आपने उसने क्या किया, आपकी ऑप्शंस को चेंज कर दिए, अब यहाँ पर क्या अपीयर हो रहा है, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए। अभी यहाँ पर ऑप्शन क्यों चेंज हुई है, यस बिकॉज यहाँ पर हमने अब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जब ये देखें मैं नंबर्स को सिलेक्ट करूंगी तो ऑप्शन वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, वो कह रहे हैं नंबर्स को हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, या लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह से जब मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, इन वर्ड्स को सिलेक्ट करूंगी, तो बेसिकली वो उसको चेंज कर देगा ए टू जेड। अब आप यहाँ पर गौर करें, मेरे पास ये जो नंबर्स, ये जो टेक्स्ट है, ये आगे पीछे है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लिख देती हूँ, फाइल्स, इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अल्फाबेट और क्लॉक। ठीक है, सो अगेन यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा, क्लिक ऑन दिस सॉर्ट ऑप्शन, एंड दिस वन इज योर सॉर्ट ए टू जेड। सो एज यू कैन सी द लिस्ट इज कन्वर्टेड इन टू अल्फाबेट्स। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट किया अपने डाटा को और इसको सॉर्ट कर लेंगे तो जो आपकी लिस्ट है वो आपके जो अल्फाबेट्स होंगे असेंडिंग ऑर्डर में उसमें कन्वर्ट हो चुकी है। सो अगेन आपने इसको डिसेंडिंग में करना है, सिलेक्ट योर लिस्ट, सिलेक्ट योर कॉलम एंड देन सॉर्ट जेड टू ए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये देखें मेरे पास जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है तो वो लास्ट पर है, फिर देन सी, देन एफ और जी। सो इस तरह से जो मेरे पास सबसे एंड पर वर्ड होगा जो अपीयर हो रहा है, दैट इज टाइप्स विद टी।
सो अब आपने इसी के प्रैक्टिस करनी है. आई विल अपलोड असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम. यू जस्ट हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. आपने नंबर्स को सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काम कर सकते हैं, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. सो एक नंबर्स की लिस्ट होगी और इसके अलावा आपके पास बल्कि दो नंबर्स की लिस्ट होंगी, दो ही आपके पास टेक्स्ट की लिस्ट होंगी. तो आपने उसको कन्वर्ट करना है विद द गिवन इंस्ट्रक्शंस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द क्लास. लास्ट टाइम इसको अगर हम रिपीट करें, व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग बेसिकली होती क्या, आप अपने डाटा को अरेंज कर देते हैं. अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप उसको स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं. और अगर आपके पास आपका कोई टेक्स्ट है या कोई और डाटा है तो आप सिंपली उसको क्या कर सकते हो, आप उसको अल्फाबेट के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, ए टू जी. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ टू वर्ड्स. ठीक है, ए बी. नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है ए जी और ए. अब आप ये देखिए, मेरे पास ये जो सारे वर्ड्स हैं ये ए से बन रहे हैं. ठीक है, ए एच, ए बी, ए जी और ठीक है. तो अभी मैंने रैंडमली यहाँ पर टाइप किया वर्ड. इसमें अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ए से सारे वर्ड बन रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा इन दिस केस, तो सिंपली इसमें वो क्या करेगा, आपका फर्स्ट लेटर के बाद अब आपके सेकंड लेटर को देखेगा. फर्स्ट लेटर तो सबका सेम है, तो इसमें वो फर्स्ट को स्किप करके सेकंड लेटर देखेगा कि सेकंड में आप किसको चूज करें. लाइक अगर मैं सॉर्ट करती हूँ, सॉर्ट ए टू डी. ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले आपके पास ए बी को चूज किया. ए बिकॉज हमारे पास सब में सेम था, सब सेकंड में ए को चूज किया. नेक्स्ट बी, और उसके बाद बी के बाद क्या आता है हमारे पास अल्फाबेट में, जी, देन एच, और एट द एंड हमारे पास क्या आता है, जेड. तो इस तरह से अरेंज कर देगा. ठीक है, अगर आपके पास एक लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट लेटर है या जो सेकंड लेटर है सबका सेम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, थर्ड लेटर को देखेगा या फोर्थ को देखेगा. इस तरह से वो मूव ऑन करेगा. सो आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू. एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम इन योर असाइनमेंट, देन यू कैन व्हाट्सएप.